तो दोस्तों पूजा आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बिस्ट फेस पैक इज बेस्ट ऑफ टैन रिमूवल। तो किस तरीके से आप घर पर ही टैन को रिमूव कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैनिंग उन लोगों के लिए एक आम समस्या है जो धूप में बहुत समय बिताते हैं, जो कि गर्म जलवायु में रहते हैं। परिणाम स्वरूप त्वचा सुस्त और बेजान हो जाती है, फीकी दिखाई देने लगता है फेस। धूप की जो भूरी मृत त्वचा होती है, कोशिकाएं परत जो डी टैन होता है फेस पर हटाने के लिए, चलिए आपको चमकदार बनाने के लिए फेस रंगत को निखारने के लिए आपको एक इजी रेमेडी इजी पैक जो त्वचा को क्लीन करेगा, आपके स्किन टोन को बदल देगा। आपको समान इंग्रेडिएंट में ही ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो चलिए आके मैं बताती हूँ किस तरीके से आप टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो अत्यधिक सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा में नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से टैनिंग होती है दोस्तों। तो त्वचा से टैन जो जैसी जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है आम जिंदगी में। तो जो मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, जो आपके फेस के लिए सही नहीं होते हैं। वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपका फेस ब्लैक हो जाता है, तो अत्यधिक टैन का कारण होता है त्वचा का सुस्त और काला पड़ना। तो इसको हटाने के लिए आपको मैं आज घरेलू पैक बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी रेमेडी में आपका फेस पैक बन जाएगा। तो आप चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें कुछ ही इंग्रेडिएंट चाहिए होगा। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं वो क्या है। तो फटाफट से आप हल्दी ले लीजिए, बेसन ले लीजिए, आपको घर पर ही टैनिंग आसानी से हटाएंगे। इसके लिए आपको 2 चम्मच बेसन के साथ आधा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल और कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। सभी को मिक्स करना है। अब आप टैनिंग वाली स्किन पर, फेस पर, जहां भी आपको टैनिंग है वहां पे अच्छी तरह से अप्लाई करिए। इसके बाद आपको इस पेस्ट को 10 मिनट अपने फेस पे लगाए रखना है। इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।